हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीआरडीओ ने एक बड़ा दावा किया है कि कोरोना की दवा तैयार हो गई है और सरकार ने इस दवा को इमरजेंसी यूज की इजाजत भी दे दी है। इमरजेंसी यूज का मतलब ये समझिए कि जब मरीज का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा हो तो उसे ये दवा दी जा सकती है। ये दवा कोई गोली नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, बल्कि पाउडर के रूप में होगा जिसे पानी में मिलाकर पीना है। अगर आपके जहन में इस दवा को लेकर कोई भी सवाल है तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या कोरोना की दवा आ गई है? क्या ये दवा ऑक्सीजन वाली दिक्कत खत्म कर देगी? क्या ये दवा 2.5 दिन पहले ही मरीज को ठीक कर देगी? वैक्सीन के बाद कोरोना को खत्म करने के लिए डबल डोज वाली ड्रग से इलाज का दावा किया जा रहा है। ये ड्रग कौन सी है, क्या फॉर्मूला है, कितनी दवा खानी है, कहां मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशन अगले 10 मिनट में आपके पास होगी। इस दवा को बहुत गौर से समझिए। 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 2-DG। ये दवा कैसी होगी, कैसे खाएंगे, कैसे असर करेगी, ये बताने से पहले इस दवा को तैयार करने वालों के बारे में जान लीजिए। जिसने ये दवा बनाई है वो अब तक देश के लिए फाइटर जेट भी बनाते हैं, टैंक और मिसाइल भी बनाते हैं। ये दवा डीआरडीओ की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी INMAS इन मास ने तैयार की है। अब आपके जहन में होगा कि यह दवा कैसे बनाई गई है, कितनी कारगर है, क्या इसे खाने से कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा। इसके रिजल्ट को समझने से पहले इसके डेवलपमेंट और ट्रायल को समझिए जिससे इस दवा पर यकीन होगा। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में CCMB हैदराबाद में। हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था जिसमें कि वायरस के ऊपर 2-DG का इफेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। अप्रैल 2020 में इस दवा पर काम शुरू हुआ। मई 2020 में डीआरडीओ ने क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मांगी। अक्टूबर 2020 तक फेज 2 खत्म हो गया। इसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफी अच्छा फायदा हो रहा है। और उसके बाद फेज 3 ट्रायल हमने शुरू किया। फेज 2 के ट्रायल देश के 17 अस्पतालों में 11 मरीजों पर किए गए और उसके बाद तीसरे फेज की शुरुआत हुई। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। तीसरे फेज के ट्रायल नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक चले। 2 महीने के ट्रायल के बाद पूरे अप्रैल महीने में इसके रिजल्ट आके गए और फिर मई में इसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी गई। देखिए, ये जो दवा है ये हम ओपीडी बेसिस पे पेशेंट को दे सकते हैं। इसका मतलब ये एक एंटीबॉडी का कॉकटेल है जो अर्ली स्टेजेस टू मॉडरेट केसेस कोविड को हम ओपीडी में दे सकते हैं, इंट्रेवीनसली देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केस में। इससे ये हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बहुत बच जाते हैं। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कॉकटेल दिया गया था और उसके बाद इमरजेंसी अप्रूवल आ गया है और अपने को भी ये मिला है। गेम चेंजर इस हिसाब से कि पेशेंट प्रोग्रेस नहीं होंगे, फ्लोरिड कोविड के सिम्टम नहीं आएंगे, पेशेंट्स हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे, पेशेंट्स कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, उसमें ये गेम चेंजर हो जाता है। इसके पहले तो क्या होता था, पेशेंट थोड़ा सी सीरियस हो जाता था तो उसको एडमिट करो, ऑक्सीजन दो, यस इन्फ्लेमेशन हो जाता, टॉसिलिजुमैब दे दो, रेमडेसिविर दे दो, सीरोइड दे दो, वेंटिलेटर पर जाएगा। ये तमाम चीज से पेशेंट बच सकता है आप अर्ली स्टेजेस में दो तो। अब सवाल है कि इस कोरोना की दवा को मरीज कैसे ले सकते हैं। डॉक्टर भट्ट की पूरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि इस दवा को बनाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।
इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम दो डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है, पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। ये दवा पाउडर के रूप में होगी, इसे पानी में घोल कर पिया जाएगा, इसलिए ये बात भी समझनी होगी कि अगर ये दवा पाउडर या टैबलेट फॉर्म में होगी तो इसे ग्लूकोज की तरह लेना मरीज के लिए आसान हो जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक ये दवा संक्रमित मरीजों में वायरस का डेवलपमेंट रोकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इस दवा को लेने के बाद मरीज की रिकवरी 2.5 से 3 दिन पहले ही हो जाएगी, उससे ऑक्सीजन की भी जरूरत कम पड़ेगी। डीआरडीओ का दावा है कि इस दवा से कोरोना रिपोर्ट जल्दी निगेटिव आ रही है, लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। आप सोचिए ना कि जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं, अर्ली सिम्टम में आपको ये पेशेंट को आप देंगे, पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं, उसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला ही नहीं है। ये आप इंट्रावीनस देंगे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे ही नहीं, और ये 1 घंटे में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप इंट्रावीनस उसको एक इन्फ्यूजन से दे सकते हैं, एंड इट इज अ गेम चेंजर। मतलब डेफिनेटली यूएस में तो इसकी बहुत तारीफ हो रही है। अगर ये दवाई का यूज हम अगर की बात करें तो जो वायरल तो शायद मैक्सिमम यूज होगा, क्योंकि जो भी अभी प्रेस रिलीज आया है एग्जैक्ट डेटा हमने नहीं देखा है, तो उसमें ये कहा गया है कि इसके चलते जो है ओवरऑल जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, जो वाइटल पैरामीटर्स है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ क्लिनिशियन जो मुझे जरूरत लगती है वो शायद इस बात की होगी कि क्या ये मरीज के जान बचाने में सहायक होता है या नहीं। तो ठीक है, हॉस्पिटल स्टे कट डाउन करेगा, बट क्या अल्टीमेटली ये जो पेशेंट के सर्वाइवल एडवांटेज को बढ़ाएगा, ये देखने की जरूरत है। अब 2DG का असर ऑक्सीजन की जरूरत पर कैसे पड़ा उसे समझिए। ये DRDO का दावा है कि जिन लोगों को 2DG दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत तीसरे दिन खत्म हो गई, जिन्हें दवा नहीं दी गई ऐसे 31% मरीजों को ज्यादा वक्त लगा। अच्छी बात यह है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर भी इस दवा ने अच्छा काम किया है, इसलिए साइड इफेक्ट वाला खतरा भी कम है। SRDRDO का दवा है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बट ओवरऑल अगर रिस्क बेनिफिट एनालाइज करें हम, जैसे वैक्सीन के बारे में सभी को डाउट था कि क्या साइड इफेक्ट होंगे, उसके साथ जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हमेशा समझना चाहिए कि कोविड से जान जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वैक्सीन। वैक्सीन आपकी जान बचाएगी, ये बहुत क्लियर है। सिर्फ वैक्सीन आ जाने से पैंडेमिक खत्म नहीं होगा, वैक्सीनेशन से पैंडेमिक खत्म होगा, इसलिए वैक्सीन लेना है। वैसे जो भी दवाई हो, चाहे रिजेनरॉन हो या फिर 2D की बात हम बात करें, जो डीऑक्सी 2DOX डी ग्लूकोज जो DRDO का UA आज मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल रिस्क बेनिफिट एनालाइज करने के बाद ही इनको अप्रूवल दिया जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेनिफिट ज्यादा होगा। DRDO ने इस दवा का टेस्ट 10 राज्यों में किया है, दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में किया, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी इसे आजमाया गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसे टेस्ट किया गया। इसमें इन राज्यों के 27 अस्पतालों में 220 मरीजों को ये दवा दी गई। DRDO का दावा है कि इस दवा को बाजार में उतारने की तैयारी हो चुकी है और इसके लिए हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी से करार किया गया है। अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। ये बड़ा सवाल है कि भारत की आबादी को देखते हुए इसकी जरूरत बहुत बड़े पैमाने पर होगी, उत्पादन से लेकर इसे देश भर तक पहुंचाने का काम बहुत बड़ा होगा। अब तक जो नतीजे आए हैं, इस दवा ने अच्छा काम किया है, ये मरीजों को पहले से जल्दी ठीक करने में मदद कर रही है और ऑक्सीजन की जरूरत भी पहले से कम होगी। कहा जा सकता है दवा भी आ गई है और वैक्सीन भी लग रही है। इंडिया के पास कोरोना से लड़ने के लिए अब 2 हथियार हैं, लेकिन इस वक्त 2 शहरों से वैक्सीनेशन की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, एक है दिल्ली और दूसरी है मुंबई। क्या वजह है, कहां रुकावट आ रही है और भारत के सामने कौन कौन से देश हैं जहां का वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक सबक बन सकता है, ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए।
इंडिया में वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम के दो बड़े एपिसेंटर हैं, एक दिल्ली और दूसरा मुंबई। दोनों शहरों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज सबसे बड़ी वजह है, बाकी व्यवस्था की कमी ग्राउंड पर पता चल रही है। दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ है, मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ है। दिल्ली में दिक्कत कहां आ रही है उससे पहले देखिए मुंबई में क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए अलग से ऐप बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल है। उद्धव चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए अलग वेबसाइट या ऐप हो जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र के लोग रजिस्ट्रेशन करें। जो कोविन ऐप है वो अपना ऐप दिल्ली से आया है और केंद्र सरकार से उसका ऑपरेटिंग हो रहा है, तो मुंबई का जो लोग है हमारे अजय चौधरी आमदार है उनके लड़के को 3 लोग है 18 से 44 के अंदर के, एक को आया उल्लासनगर, एक को आया डोंबिवली और एक को आया थाना। एक ही फैमिली में ऐसे 3 जगह एक ही दिन आते हैं तो दिक्कत ही बढ़ती है। अभी उनके पास गाड़ी होगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है उनको जाना मुश्किल है तो कैसे जाएंगे। अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र पर दबाव ज्यादा है कि वहां हालात बेहतर होने के बावजूद नए केस आ रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन की भीड़ कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। जंबो सेंटर के बाद ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या यह इंतजाम काफी है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उनके पास सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची है। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। अभी दिल्ली में रोज 1 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। केजरीवाल 3 महीने में 3 करोड़ वैक्सीन चाहते हैं, उन्हें सिर्फ 40 लाख मिली है और अभी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत है। 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए, 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं, तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए, लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। जब से केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, दिल्ली और मुंबई ही नहीं कई राज्यों पर इस वक्त प्रेशर बढ़ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। भारत के 90 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन की जरूरत है, इसका मतलब है कम से कम 180 करोड़ डोज वैक्सीन भारत को चाहिए। पिछले 4 महीनों में सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है और इनमें भी सिर्फ 3 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिली है, जबकि टारगेट 90 करोड़ का है। अगर भारत में 1 साल में भी इतने लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा जाए तो रोज 50 लाख टीके लगाने होंगे, जबकि अभी 20 लाख से भी कम लगाए जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते में तो यह आंकड़ा 20 लाख से भी नीचे जा चुका है। जनवरी में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया था कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है, इसलिए ये टारगेट अभी कैसे पूरा होगा इसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। अगर वैक्सीनेशन धीरे होगा तो कोरोना की चपेट में ज्यादा लोगों के आने का खतरा बना रहेगा। अभी केंद्र सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए 11 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन इन दोनों वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत धीरे काम कर रही है। यही वजह है कि अब रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन आयात की जा रही है और आगे चलकर उसका उत्पादन
भारत में ही करने की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो इसे AK-47 जैसी राइफल की तरह भरोसेमंद करार दिया है। मैं जानता हूं कि अब हमारे पास एक और वैक्सीन है स्पुतनिक लाइट और ये रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है। ये बहुत आधुनिक वैक्सीन है और बिना शक इस पर भरोसा किया जाता है। ये बहुत ही सुरक्षित है, ये इतनी भरोसेमंद है जैसे कि मैं कहूं कि कलाश्निकोव राइफल। और ये तो यूरोप के एक एक्सपर्ट ने ही कहा है और ये हमने नहीं कहा है, यूरोप के लोगों ने ऐसा कहा है। इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका, रूस, इजराइल और UAE के वैक्सीनेशन मॉडल को समझें। भारत की आबादी से इन देशों की तुलना नहीं की जा सकती। भारत में 135 करोड़ आबादी है तो अमेरिका में 33 करोड़, रूस में 14 करोड़ और इजराइल की आबादी 80 लाख है, लेकिन इनका वैक्सीनेशन मॉडल सबसे कामयाब रहा है। रूस ने कहा है कि वो अपनी आधी आबादी को अगस्त तक पहली डोज दे देगा। इजराइल अपनी 70% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। अमेरिका ने अपनी 45% आबादी को पहली डोज दे दी है। हमारा लक्ष्य है कि 4 जुलाई तक हम 70% व्यस्क अमेरिकियों को कम से कम एक डोज जरूर दें और इस तरह करीब 16 करोड़ लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दें, यानी करीब 10 करोड़ डोज देनी होंगी, कुछ को पहली डोज और कुछ को दूसरी डोज, और ऐसा हम अगले 60 दिनों तक करते रहेंगे। जाहिर है 4 जुलाई के बाद भी डोज दी जाती रहेंगी, लेकिन किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए। 70% का जो टारगेट है ये हमें हासिल करना ही है, ये बड़ा लक्ष्य है। और जैसा कि आपको याद है कि हमने कोशिश की है कि सबको वैक्सीन दी जाए और इसके लिए हमारे पास काफी वैक्सीन भी है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन हो और प्रोडक्शन लगातार हो, इसलिए भारत को इन देशों से बहुत सीखने की जरूरत है। आबादी हमारी जरूर ज्यादा है लेकिन हमारे पास वैक्सीन के कई ऑप्शन भी हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इन देशों से बेहतर है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।